महेंद्रगढ़ में अग्निपथ आंदोलन हुआ उग्र। आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर एक पिकअप कैंपर गाड़ी, जनरेटर व इंजन को किया आग के हवाले। सेक्शन इंजीनियर के निवास पर उसकी गाड़ी को पूरी तरह किया क्षतिग्रस्त। आज महेंद्रगढ़ में अग्निपथ आंदोलन हुआ भयंकर उग्र। आंदोलनकारियों युवाओं ने सबसे पहले हुड्डा पार्क में एकत्रित होकर राव तुलाराम चौक पर हाईवे जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें वनहा से खदेड़ दिया और कुछ उग्र युवाओं को पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया, जिससे प्रदर्शनकारियों काफी हंगामा करते हुए दादरी रोड की और रेलवे फ्लाईओवर की ओर बढ़े, जिन्हा उन्होंने एक शोरूम व दो गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। फिर वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जिन्हा उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया और वे रेलवे सेक्शन इंजीनियर के निवास पर घुसकर वनहा खड़ी एक सरकारी पिकअप कैंपर गाड़ी, जनरेटर व इंजन को किया आग के हवाले किया व उनकी पर्सनल गाड़ी को भी पूरी तरह किया क्षतिग्रस्त कर दिया। रेलवे ट्रैक पर ड्राम डालकर उसे भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उन्हें वनहा से भी खदेड़ दिया गया। रेलवे सेक्शन इंजीनियर सतीश पंघल ने बताया कि आज आंदोलनकारियों ने उनके निवास पर घुसकर वनहा खड़ी एक सरकारी पिकअप कैंपर गाड़ी, जनरेटर व इंजन को किया आग के हवाले किया व उनकी पर्सनल गाड़ी को भी पूरी तरह किया क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि पुलिस अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरी तरह से आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन आंदोलनकारी ज्यादा संख्या में है इसलिए वो मौका पाकर इधर उधर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस की पूरी कोशिश है कि जल्द ही इस आंदोलन पर काबू पा लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि आज आंदोलनकारियों ने सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ मामले दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय निकाय चुनाव भी है और आंदोलनकारियों ने आज उग्र रूप धारण कर लिया, लेकिन फिर भी पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से तैयार है। आज महेंद्रगढ़ के अंदर आगजनी हुई है, आगजनी के अंदर बहुत भारी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, हमारी पुलिस, आपने कल भी देखा होगा कि कल भी मोबिलाइजेशन थी स्टूडेंट की, उनकी तरफ प्रयास थे। आज भी हमारी फोर्स डिप्लॉयड थी, पर कुछ शरारती तत्व जिनकी आज संख्या ज़्यादा थी, वो रेलवे पटरी पर आके उन्होंने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, रेलवे स्टेशन को डैमेज करने की कोशिश की और जो रेलवे स्टेशन में जो पैसेंजर्स हैं उनको भी चोट पहुँचाने की कोशिश की। वहाँ हम सफल रहे, पर कुछ शरारती तत्व यहाँ आ गए, उन्होंने यहाँ पथराव किया, आप देख सकते हैं स्थिति। तो हम नियमानुसार सारी कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे और जो भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारे पुलिस द्वारा की गई है या CCTV फुटेज पे आई है उनको अप्रीहेंड करके हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, जिस प्रकार से पुलिस आगे रोकथाम के लिए क्या कर रही है, दूसरी साइड भी, एक साइड से प्रदर्शनकारी को पुलिस रोक रही है तो दूसरी साइड जाकर वो आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। देखिए, कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं हर फोर्स के। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज और मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट करें। इलेक्शन के चलते कुछ फोर्सेज बूथ में भी हैं, ये हमारे लिए एक ड्यूअल ट्रिपल चैलेंज है। हम कल सफल रहे थे, हम आज भी कोशिश करेंगे कि सरकारी संपत्ति और आम जनता को कोई नुकसान ना आए। सर, जिस प्रकार से इंटरनेट सेवाएँ रोकी हुई हैं, कब तक रुकी रहेंगी? देखिए, इंटरनेट सेवा एक दिन का ऑर्डर था, आज शाम से चालू हो जाएगी। सर, लो एंड स्थिति, जो लो एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके ऊपर सही तरह से काबू नहीं हो रहा है, उधर भी जगह जगह जा रहे हैं और पुलिस, देखिए इनके नंबर ज़्यादा हैं और ये डिस्पर्स और फैक्शंस में बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। कल बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा और ये जो चैलेंज आज आया हम इसको भी नियमानुसार निपटारा करेंगे और सचेत रहेंगे और मेहनत करेंगे। सर, जैसे भी जिले के अंदर महेंद्रगढ़ में 2-3 बसों के ऊपर पथराव किया था, आज शोरूम तोड़े गए हैं, रेलवे स्टेशन पर आग लगाई गई है गाड़ियों में, ये जो रेलवे स्टेशन में जो आप जहाँ खड़े हैं उसी की बात है, प्राइवेट बसेस में 2-3 के बसेस के शीशे टूटे थे, इतना कोई ऐसी बात नहीं है। सर, जिस प्रकार से आज की जो इशू है वो एक सीरियस और एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको हम डील करें। सर, कल निकाय चुनाव भी है सभी जिले के अंदर, निकाय चुनाव भी, ऊपर से प्रदर्शनकारी भी, तो किस तरीके से पुलिस? हम इंश्योर करेंगे मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन करें और जो भी शरारती तत्व है हमारे पास पूरा टाइम है, हमारे पास फोर्स भी है और हम इसको मोर प्रोएक्टिवली अब डील करें। सर, अपील क्या है? मेरी अपील यही है कि जो भी युवा जिनको जो इस योजना से संतुष्ट नहीं है, देखिए राइट टू डिसेंट एक चीज़ है पर आप पीसफुली कीजिए, सरकारी संपत्ति को तोड़ना, क्योंकि यहाँ जो सरकारी मुलाजम थे उनके घर पर नुकसान करना या उनको नुकसान करना, ये मैं समझता नहीं कि कोई भी उचित चीज़ है। अगर आप सच में देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप पढ़िए, आप कुछ और करिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है, पर ये सरकारी संपत्ति को तोड़ना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है
और अगर आप पे कहीं मुकदमे दर्ज होते हैं तो आपको कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। हमने कल इनको प्यार से भी समझाया, हमने इनकी काउंसलिंग भी की, इनके माता पिता को भी समझाया, और मेरी आपकी यही अपील है कि जो भी नौजवान हैं उनके माता पिता से कि कृपया अपने बच्चों को ऐसा वायलेंस पे ना लाइए, क्योंकि इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। सर, इस पद्र में कितने लोग पकड़े गए हैं अब तक? मैं अभी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी सीनो क्रम में हूं, मैं पूछ के आपको बात बता दूंगा। भाई बताओ किस तरह। सर, हमने 2019 में एयरफोर्स का फॉर्म भरा था, जिसका 2020 में पेपर हो लिया, और 21 में फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न इंटरव्यू और फाइनल लिस्ट भी लग चुकी, और अब ये बोल रहे हैं कि कैंसिल। कौन सा मतलब है सरकार का इससे? हम रुपए की क्षति हुई है, कम से कम 2 लाख रुपए के तो जनरेटर सेट थे, और बोलेरो गाड़ी वो पूरी डैमेज की है, मेरा घर का एसी डैमेज किया, कूलर सब, और पर्सनल गाड़ी तो वो डैमेज की है, और ऑफिस है, ऑफिस में पूरे में तोड़ फोड़, और कूलर वगैरह सब तोड़ फोड़ किए। सर, ये कम से कम ऑफिस ये मेरा घर है, ये गाड़ियाँ घर में, ये पर्सनल मेरी गाड़ी थी, एक सरकारी गाड़ी थी, इनमें आग लगा दी, तोड़ फोड़ कर दी। किस पद पे कार्यरत है? मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ, सतीश पंगाल मेरा नाम है। देखिए, महेंद्रगढ़ पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ में उपद्रव का सामना किया। मैं इसको बोलूंगा कि जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन पे पथराव किया गया और कुछ गाड़ियों और एक जनसेट को आग के हवाले किया गया, मैं नहीं मानता कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट का एक सही तरीका है। बाकी हमने अपनी पूरी बात रखने का पूरा प्रयास किया, और सभी लोगों से, खासकर युवाओं से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अपनी बात को शांतिपूर्वक रखें, जिससे आम जन को और जन संपत्ति को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। सर, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, बहुत तेज चलते हुए पत्थरों का सामना करते हुए हमने उनको पीछे की तरफ किया, और राव तुलाराम चौक, रेलवे स्टेशन, सरनाली मोड़ और जो मुख्य इलाके हैं, सभी जगह पे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, और आगे भी जन सामान्य से एवं युवाओं से ये तहे दिल से अपील है कि किसी तरह का उपद्रव में भाग ना ले और अपनी बात को शांतिपूर्वक रखें। बढ़िया नहीं, कैसे हुआ ये सब? बढ़िया नहीं हुआ, उग्रवाद करते हुए बाहर आए और उन्होंने आकर पत्थरबाजी कर दी, हमने झटके से शटर डाउन करने की कोशिश की और शटर डाउन नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने पत्थर मार दिया, फिर हम भागे, पत्थर मारने लगे तो शीशा टूट गया। किसी को चोट तो नहीं आई? चोट किसी को नहीं आई, भाग गए, बाल बाल बच के भाग गए। स्ट्रेट डाउन करने लगा वो, ये वाला लड़का, ठीक है, इसको पत्थर लगा, थूके गया तो ये भाग के खड़ा हो गया, उसके बाद ये फिर कर नहीं पाया, तो इतने मोटे मोटे पत्थर फेंक रहे थे।